नमस्कार, आप सबका है ममता गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कक्षा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे चल रही थी, जो आज उसका समापन का क्लास है। अब तक के हुए 15 प्रेसिडेंट इलेक्शन में सिर्फ 5वें राष्ट्रपति के चुनाव को छोड़ दें तो बाकी सभी निर्वाचकों में मतगणना के पहले दौर में ही चुनावी फैसला हो गया है कि कौन सा व्यक्ति प्रेसिडेंट बना। परंतु 1969 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई भी उम्मीदवार मतगणना के पहले पड़ाव में अपेक्षित कोटा हासिल नहीं कर सका। फिर एक के बाद एक को तब तक हटाते जाया गया जब तक कि फील्ड में मात्र दो व्यक्ति नहीं बच गए, और वह दो व्यक्ति थे। पहले थे श्री पीबी गिरी और दूसरे थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। यही दो व्यक्ति लास्ट मोमेंट में सन 1969 में बचे रहे। उसके बाद आखिर में फिर से यही प्रोसेस हुआ और उसमें जीत श्री पीबी गिरी जी को मिली और वो देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें कुल वोट 4,30,077 वोट मिले थे। उस समय ये जो गिनती करके आए ना, उस समय 4,30,077 वोट ही मिले थे और तब जाके उनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। भारत में लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित पद प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। जो इंडिया है ना, जो भारत देश है, इसका पहला नागरिक कौन माना जाएगा? तो इसका पहला नागरिक प्रेसिडेंट होता है और उसी को माना जाता है। ये नहीं कि ये प्रेसिडेंट हो गए तो यही पहला नंबर ऑफ सिटीजन रहे, नहीं। जब जब प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, जब जब प्रेसिडेंट चुनकर आएंगे, तब तब वो व्यक्ति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाते हैं। देश के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति संसद का अहम हिस्सा होता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से सदन के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में पारित कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर ना हो और उनकी अनुमति नहीं मिल जाती। इसके अलावा संसद सत्र जब चालू नहीं रहता है, यानी होता है ना मानसून सेशन, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और वर्षाकालीन, तीन जो सेशने होती हैं, उसमें अगर यह सेशन नहीं है उसके बावजूद राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होता है कि वह अध्यादेश के जरिए तत्काल प्रभाव से किसी कानून पर अगर हस्ताक्षर करते तो वह कानून का अंग हो जाता है और वह शक्ति में आ जाता है, वह रूल बन जाता है। इसी के साथ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की चर्चा आज हमारी खत्म हो जाती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हेमंता गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कुछ खामियां रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सुझाव दे सकते हैं। आप सभी व्यूअर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।